हिस्सा। कर्नाटक की बसवराज बोम्मई सरकार ने राज्य में मुस्लिम ओबीसी का 4% आरक्षण खत्म कर दिया। इस कोटे को वोकालिगा और लिंगायत के बीच बराबर 2% बांट दिया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को 25 अप्रैल तक टाल दिया। कर्नाटक सरकार की तरफ से पेश हुए एसजी तुषार मेहता ने जस्टिस के एम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच से फैसला टालने की मांग करते हुए कहा कि राज्य सरकार अगली तारीख तक विवादित निर्णय के आधार पर नई नियुक्तियां नहीं करेगा। इससे पहले 13 अप्रैल को भी सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई हुई थी। जस्टिस के एम जोसेफ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा था कि पहली नज़र में कर्नाटक सरकार का फैसला सही नहीं लगता। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो रिकॉर्ड पेश किया गया है उससे जाहिर होता है कि फैसला गलत कॉन्सेप्ट पर आधारित है। कर्नाटक की मुस्लिम कम्युनिटी की ओर से इस केस से वकील कपिल सिब्बल, दुष्यंत दवे और गोपाल शंकर नारायण पेश हुए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम ओबीसी का जो रिजर्वेशन खत्म किया गया है उसका कोई ठोस आधार नहीं है। सरकार ने न कोई स्टडी कराई और न ही कोई डेटा दिया। कर्नाटक सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब के लिए समय मांगा है। मेहता ने कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि इस दौरान नए रिजर्वेशन कोटे के आदेश के तहत कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। इसी के साथ बने रहिए राजनवा टीवी के साथ। धन्यवाद।